हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग MBPSC के लिए टेस्ट लगा रहे थे। तो आपको पता है दो टेस्ट सीरीज निपटा चुके हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये है हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये कौन सी है? तीसरे नंबर की। आपको बता दें ये सभी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2019 सूची में, प्लेलिस्ट में, सूची में डले हुए हैं, वहाँ जाकर देख लें। ठीक है, ये तीसरा है हमारा। कौन से नंबर का? तीसरा। टोटल 6 है। ठीक, इसे ख़त्म करने के बाद 3 और रह जाएंगे हमारे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम स्पेस सैटेलाइट कौन सा है? वाह, सबको पता होगा, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट तत्कालीन सोवियत संघ के एक प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया। भास्कर, याद रखिए, भास्कर दूसरा उपग्रह था जो 1979 में अंतरिक्ष में भेजा गया। रोहिणी, ये 1980 में भेजा गया, जबकि एप्पल पहला संचार उपग्रह था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पदार्थ का वजन होगा? तो याद रखिए, कोई वजन नहीं होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो आप सभी को पता होगा, हीरा। चौथा क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो आप सभी को होगा पता, रासायनिक। पांचवा क्वेश्चन है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन टीका क्यों लगाया जाता है या किन बीमारियों के बचाव के लिए? तो याद रखना, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, याद रखना इसे, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। छठवां क्वेश्चन है, भारत में पहला अणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो आपको बता देना है, तारापुर। ठीक, सातवां क्वेश्चन, कौन सी बीमारी कम संक्रामक होती है? तो याद रखिए, पीलिया। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आपको बता देना है, पूर्ण चंद्र पर। ठीक, ये ऑप्शन सही है। नौवां क्वेश्चन, किसी में महिला क्रिकेटर के सम्मान में भारत सरकार ने 2008 में डाक टिकट जारी किया है? तो आपको पता होगा, अगर करंट से जुड़े होंगे आप तो, झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी को, झूलन को लेडी कपिल देव भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। दसवां क्वेश्चन है, रियल मैड्रिड है, तो याद रखिए, फुटबॉल क्लब। मध्य प्रदेश सरकार का तुलसी सम्मान 2018 किसको मिला है? विक्रम कुमार को। याद रखिए, मध्य प्रदेश सरकार का तुलसी सम्मान 2018 मिला है विक्रम कुमार को। ठीक, बारहवां क्वेश्चन है, हृदय योजना का संबंध है, तो आपको पता होगा, विरासत शहरों का विकास। 13, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान 133वां। 13, याद रखिए। फिर हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो आपको पता होगा, फिनलैंड। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? फिनलैंड की। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिए, 52 हो गए, निवाड़ी को मिलाकर। ठीक, आपको बता दें कुछ 50 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं,
आपको याद रखना है 1992 में मध्य प्रदेश में 45 जिले थे, 1956 में 43, फिर दो बढ़े 45 हो गए, 1998 में बढ़कर 61 जिले हो गए थे। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया जब 2000 में, तो 16 जिलों को छत्तीसगढ़ में समाहित हो गए, मध्य प्रदेश में बचे 45। फिर बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर, सिंगरौली, ये 5 जिले बने। बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर 2003 में, अलीराजपुर, सिंगरौली 2008 में, व आगरमालवा 2013 में, और निवाड़ी 2018 में जिला बना। इस प्रकार कुल जिले हो गए 52, ठीक, 52। फिर मिग 21 में अकेले उड़ान भरने वाली पहली प्रथम महिला पायलट है, तो याद रखिए अवनी चतुर्वेदी, ये मध्य प्रदेश की निवासी है, ठीक है, याद रखिए। उड़ान योजना के संबंध में सही कथन है, उपयुक्त सभी है इसमें। यह वायु सेवा को सुलभ बनाने से संबंधित है। इस योजना, इसका प्रारंभ 27 अप्रैल 2017 को जुबरहट्टी एयरपोर्ट शिमला से किया गया। इसके के तहत वायु सेवा का अधिकतम किराया 50% सीटों के लिए 2500 रुपये तक किया गया। 18वां, श्रीमती सुषमा स्वराज का निधन आ गया हो गया हाल ही में, उनके बारे में कौन कथन असत्य है? ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्हें भारत रत्न दिया गया था। बी ऑप्शन गलत है, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया था। प्यारम में भी वकील थी, ये भी सही है। वे संस्कृत की विद्वान भी थी, ये भी सही है, लेकिन उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया था। 2019, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? याद रखिए अबीर अहमद अली को, ठीक, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, याद रखिए। वो मदर मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को मिला था, कैलाश सत्यार्थी, वो कब? 2014 में, ठीक है, मलाला यूसुफ जई के साथ मिला था, ठीक है। 1979 में मदर टेरेसा को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। पर 20वां क्वेश्चन, किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? वाराणसी, डी ऑप्शन, ठीक है। कुंभ मेला चार जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक, ठीक है, याद रखिए। प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। 2016 में संघर्ष हुआ था उज्जैन में, अब 2028 में होना है, ठीक है, याद रखिए। 2016 में हुआ था, 2028 में होगा। 21, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए नॉर्मन बोरलॉग को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सबको पता होगा मुंडक उपनिषद से, ठीक। बात करते हैं 23वां, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई? घोषणा हुई थी 1911 में, याद रखना, बनाई गई थी 1912 में। 24, बंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं भोपाल में भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार थे, तो आपको पता होगा चार्ल्स कोरिया। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? तो याद रखना ह्यूरोज, ए ऑप्शन है, ठीक है। फिर 27, गौतम बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, नेपाल की तराई लुम्बिनी, ठीक। उन्हें बौद्ध में, बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान मिला। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, और सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। 28वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा सन 1885 में, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? डब्ल्यू सी बनर्जी, बंबई में हुआ था बस, ठीक है, अधिवेशन पहले। भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? खिलाफत आंदोलन तो याद रखना है सन 1919 में।
तीस क्वेश्चन नंबर, किप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में। किप्स मिशन भारत कब आया वो आपको याद रखना है, 1942 में। कब आया? 1942 में। अगला है, इकतीस, व्हेन सांग नाम का प्रसिद्ध चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? याद रखिए, ये आया था हर्ष के, ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है, व्हेन सांग 629 में। 32 क्वेश्चन नंबर, भारत के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था, तो आप सभी को पता होगा, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स, ठीक। 33, बाजार की स्थिति के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? कीमतें, ठीक। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा 8, 2006 से पहले 9 थे लेकिन अब 8 बचे, ठीक है। एम को 2006 में हटा गया, ठीक है। 35, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा है सिक्किम। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? याद रखिए सी ऑप्शन सही है, अवंतिका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 31.2%। अड़तीस क्वेश्चन नंबर, केरल के समुद्री तट के पास कौन सा रेडियो धर्मी पदार्थ पाया जाता है? तो याद रखना है मोनोजाइट। 39, किस तारीख को दिन व रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर। आगे है 40, मध्य प्रदेश में कागज बनाने की इकाइयां हैं, नेपानगर में भी है अमलाई में भी है, ठीक है, दोनों है उपयुक्त, दोनों सी ऑप्शन होगा इसमें। ताप्ती का उद्गम तथा अंत स्थल है, तो याद रखना है आपको ताप्ती का उद्गम तो बैतूल जिले की में मुलताई के पास निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर, ठीक। इसे सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। 42 क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो आपको ये बता होगा जादूगौड़ा, ठीक है, जादूगढ़ झारखंड में है, ठीक है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यह है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। 44 है, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको पता होगा भोपाल में। डंकल पिस्तावों का संबंध है तो यह उरुग्वे चक्रवर्ता तथा बौद्धिक संपदा के अधिकारों से। 46वां क्वेश्चन है, 46वां है, कश्मीर की विशिष्ट संविधानिक स्थिति से आशय था? कश्मीर का अपना संविधान था, ठीक है, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 से प्रावधान लागू हो गया था, ठीक है। क्या भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों को अदालत के जरिए लागू करवाया जा सकता है? तो आपको याद रखना है नहीं, मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है लेकिन नीति निदेशक तत्वों को अदालत में के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता।
48 एक सत्र में कितने दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर संसद या विधायक आरोप योग्य करा दिए जाते हैं? तो आपको पता होगा 60 दिन, बिना बताए सत्र में अनुपस्थित रहेंगे तो 60 दिन के बाद उनकी उन्हें आयोग करा दिया जाए। 49 क्वेश्चन, कृषि पदार्थों के न्यूनतम समर्थक मूल्य के बारे में अनुशंसा करता है तो याद रखना कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। आपको बता दें योजना आयोग की 15 मार्च 1950 में स्थापना हुई थी। एक यह एक परामर्शदात्री संस्था थी, लेकिन इसे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है, इसे वित्तीय स्थापित करके, ठीक है। फिर 50 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार था, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार था तो आपको बता देना है 2,01,862 करोड़ रुपए। कितना? 2,01,862 रुपए, ठीक है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद होता है, 51 क्वेश्चन है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद होता है तो याद रखना भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का सकल मूल्य, ठीक है। 52 क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपको मालूम होगा कपिल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो पता होगा 1915 में, वो 1915 में 9 जनवरी 1915 में लौटे, तो याद रखना 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 1916 में उन्होंने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का पहला पूर्णतः सफल प्रयोग किया था। और 1918 में क्या किया उन्होंने? 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में भाग लिया था, ठीक है। बात करते हैं 54वां क्वेश्चन, 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। एकता दिवस 31 मई को मनाया जाता है, सॉरी 31 अक्टूबर को, यहां गलत छपा हुआ है, फ्रेंड है, मिस फ्रेंड, ठीक है। 31 मई को क्या मनाया जाता है, क्लियर कर दें आप लोगों को, 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, ये तो क्लियर है, ठीक है आपका। लेकिन 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इकतीस मई को याद रखना वर्ल्ड नो टोबैको डे, अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 तारीख को, याद रखना 31 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। 55 क्वेश्चन नंबर, 55 है, कौन सा 55 नंबर है? बैंडेड क्वीन किसके जीवन पर आधारित एक सीन चलचित्र है? तो याद रखना है आपको फूलन देवी, डी ऑप्शन है। 56 क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है? जुनेको तेवई, जबकि भारत की कौन है? बछेंदी पाल, ठीक है। संतोष यादव ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है, तो याद रखना भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है, दूसरी संतोष यादव। 57 क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 1951 में हुए थे नई दिल्ली में, ठीक है। 58वां क्वेश्चन है, फुटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्धा कौन है? संतोष ट्रॉफी,
ठीक है 59 है। रिचर्ड एटनबरो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना अभिनेता व निर्देशक है, ठीक। 60 है दीपा कर्माकर है, दीपा कर्माकर है ये जिमनास्ट, जिमनास्ट है याद रखना, दीपा कर्माकर जिमनास्ट है। 61 मध्य प्रदेश में न्यूज पेंट कारखाना कहाँ है, तो नेपा नगर में। 2018 का फीफा कप किसने जीता, तो याद रखना फ्रांस ने। 63 मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो राष्ट्रों के मध्य होता है, तो याद रखना सी ऑप्शन होगा इसमें भारत श्रीलंका। 64 2019 फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल किसने जीता, तो ये है एसएल बर्टे, ठीक है। और फ्रेंच ओपन एपल विजेता कौन थे, राफेल नडाल, ठीक है। 65 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2019 किसकी विजेता है, तो ये है जोजी बेनी ट्विंजो ट्विंजी, जोजी बेनी ट्विंजी। भूर सिंह क्या है, भूर सिंह क्या है, ये शुभंकर है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने आधिकारिक अपना शुभंकर भूर सिंह दावारा सिंघा को अपनाया है, ठीक। इसका डिजाइन किया है रोहन चक्रवर्ती द्वारा, ठीक। 67 मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो राष्ट्रों के मध्य होता है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो ये देख ही लिया हमने मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। विमल जलान समिति किससे संबंधित है, विमल जलान समिति किससे संबंधित है, तो याद रखना है सी आरबी, आरबीआई रिजर्व पर, आरबीटी रिजर्व पर आधारित है, ठीक है। 69 नाटो ने हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो याद रखना है मैसेडोनिया, फरवरी 2019 में हुआ है, 30 सदस्य हो गए इसमें, ठीक। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थान शामिल हैं, तो आपको याद रखना है 38, पहले 37 थे, लेकिन जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। 71 विभिन्न सूचकांक 2019 भारत की स्थिति के संबंध में गलत सूचकांक है, ठीक है। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63वें स्थान पर सही है, विश्व शांति सूचकांक में 141वें स्थान पर है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 91वें स्थान पर है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वें स्थान पर है। इसमें सी ऑप्शन है गलत, याद रखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इसमें 91वें स्थान पर नहीं है, ठीक है। भारत बाकी तीनों सही है, डूइंग बिजनेस, विश्व शांति, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक। 2018 की जो आई थी इसमें भारत 78वें स्थान पर है, ठीक है। 2017 में था 81वें स्थान पर, 2018 में 78वें स्थान पर, ठीक है। बात करते हैं 72वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य गठन कब हुआ, तो आप सबको पता होगा 1 नवंबर 1956, और पुनर्गठन 1
1 नवंबर 2000 को हुआ, ठीक है। 73वां अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में जोड़ी गई नवीन धारा है, तो आपको पता होगा 18A1, ठीक है, या पूछा जा सकता है 18A या 18 का पूछे जाएगा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन के अनुसार होगा वही आपको टिक लगा देना है। फिर 74 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम कितनी समयावधि के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो याद रखना 30 दिन, ठीक है। 75 क्वेश्चन नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1950 की किस धारा के अंतर्गत कोई नियोक्ता लागू करना नियोक्ता लागू करने के अंतर्गत अस्पष्टता के आधार पर विभेद करना है, आपको यहां बता देते हैं, हम इसमें शायद गलत पैंट छपा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया। याद रखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया कब, ये आया 8 मई 1955 को, ठीक है। ये लागू कब हुआ, 1 जून 1955 को, ये पूरे भारत में लागू होता है, इसमें 17 धाराएं हैं, याद रखिए। तो पहली धारा में इसका विस्तार लागू कब हुआ है, नाम क्या है इसका, और दूसरे में परिभाषाएं हैं, तीसरे में दिया गया है धार्मिक आधार पर अयोग्यता लागू करने पर अस्पष्टता के आधार पर, तो उसमें 1 से 6 माह की सजा है और 100 से 500 रुपये जुर्माना। फिर धारा 4 में है धार्मिक आधार, धारा 5 में अस्पताल या कहीं शिक्षण संस्थान में अस्पष्टता के आधार पर भेदभाव करना, धारा 6 में है सेवा देना या माल बेचने से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में, ठीक है, याद रखिए। 76 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक नहीं ले सकता है कि कार से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता, ठीक। आगे बात करते हैं इसके अनुसूचित जाति के बारे में, कुछ आपको सामान्य जानकारी दे दें। देखो ये लागू हुआ 11 सितंबर 1989 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 30 जनवरी को ये लागू हो गया, ठीक, 30 जनवरी 1990 को। ये पूरे एक बात याद रखना आप, अब ये पूरे भारत में लागू होगा, जम्मू कश्मीर से 370 35 से हटा दिया गया, तो अब पूरे भारत में लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय हैं, 23 धारा, 5 अध्याय हैं, 23 धारा हैं, ठीक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति का गठन का उपबंध है, तो आपको सबको याद रखना है इसमें धारा 17, ठीक। 78 इन सोगारिया प्राचीन यूनान में विचलित मानवाधिकार तब शब्दावली थी, इसका अर्थ है मानवाधिकार। 79 क्वेश्चन नंबर, 2019 के संशोधन पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुख्य मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, तो याद रखिए बी और सी दोनों होंगे इसमें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है। 2019 में ये जोड़ा गया सी, ठीक है, संशोधन करके। बात करते हैं 80,
2019 के संशोधन पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा? तो याद रखना है आपको 80 का है 3 वर्ष, या 70 जो भी पहले होगा। ठीक, पहले 5 वर्ष हुआ करती थी और 70 वर्ष आयु तक, लेकिन अब 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये ऑप्शन 81 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत व्यक्ति मांगी गई सूचना देने हेतु बाध्य है? 176 और 77 याद रखना, 176 और 77। 80 81 हो गए। 82 मध्य प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, तो याद रखना कपास, जो निवाड़ में सर्वाधिक होती है। ठीक, 83 मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत मुचरा है, तो आपको याद रखना है अलीराजपुर में। ठीक, और सबसे कम कहाँ है? भिंड में। अलीराज के बाद अगर अलीराज पर ना होता तो झाबुआ लगाना था, झाबुआ भी ना होता तो बड़वानी लगाना था। ठीक है, लेकिन अलीराजपुर पहले नंबर पर, झाबुआ दूसरे पर, बड़वानी तीसरे नंबर पर। ठीक है, 84 बूढ़ा देव मध्य प्रदेश के किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो आपको पता होगा बेगा, डी ऑप्शन सही है। 85 घोटुल प्रथा क्या है? घोटुल प्रथा इसमें संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहते हैं। ठीक है, घोटुल प्रथा है ये मुड़िया जनजाति में होती है। ठीक है, 86 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद होगा भोपाल में। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप तो लोक कला के लिए। मलाजखंड तावा खाने कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये है आपकी बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट। 89 अजंता गुफाएं कि जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो याद रखना है बाघ धार में। ठीक, 90 क्वेश्चन नंबर, बेगा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक हैं बैरियर एल्विन। 91 निम्नलिखित में से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। 92 क्वेश्चन, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती है। बेतवा की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम स्थान है कुमरागांव रायसेन, ये यमुना में मिलती है। ठीक है, महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम स्थल है सिंह हवा रायपुर, ये पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चंबल नदी इसका उद्गम है जानापाव महू इंदौर में, वो यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, 93 मध्य प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक 50% सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो आपको बता देना है ग्वालियर में। ठीक है, 93 सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है होशंगाबाद। ठीक, कौन सा नेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? तो याद रखिए बिहू नहीं है, बिहू असम का पारंपरिक नेत्र है। कर्मा है, बहुरिया है, गाय है। ठीक, फिर 95 क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो याद रखना है कचुरी। ठीक,
निम्न में से किस गायन का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो याद रखना है, उस्ताद अलाउद्दीन खान का नहीं हुआ है, तानसेन का हुआ है, उस्ताद हाफिज अली खान का हुआ है और लता मंगेशकर का। ठीक है, बात करते हैं 97। निम्नलिखित में किसको कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिए निवाड़ को, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन जिले आते हैं। ठीक, 98। माचा मध्य प्रदेश के किस अंचल का लोक नाट है? तो याद रखिए मालवा का, ये ऑप्शन सही है। 99। हरदौल की मनौती किस अंचल का लोक गायन है? तो याद रखना बुंदेलखंड। 100, क्वेश्चन नंबर 100, गैंडी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो आपको याद रखना है मुड़िया, ये ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये था तीसरी टेस्ट सीरीज, अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग चौथी टेस्ट सीरीज। ठीक है।